है, कुरकुरा है मस्त। और ये लास्ट मंगोड़ी निकल ही रहा है अभी ये। तो वेलकम टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एच के सोनी। तो दोस्तों फिलहाल में मैं ना आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मूंग दाल का मुंगोड़ी कैसे बनता है, कुरकुरा, एकदम कुरकुरा। और यार आप लोग ब्लॉग पर बने रहेगा, आज भी यही बताने वाला हूं, सिंपल सा, और घर पे ही रहूंगा, आज कहीं जाने वाला नहीं हुआ। तो आज आप लोगों को छोटा सा रेसिपी देने वाला हूं। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पहले ही बताया, लेकिन मैं सोचा कि आज घर पे खाली हूं तो भाई एक बार फिर से बता देता हूं, पर आसान तरीके से ज्यादा 5-7 मिनट लगेगा, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा विस्तार से बताने वाला हूं, ठीक है। क्या क्या फुलाया था उसमें, मैंने फुलाया था मूंग का दाल था, थोड़ा सा चना का दाल था, और थोड़ा सा उसमें मसूर का दाल था, ठीक है, जो कि सुबह ही फुलाया हुआ था भाई। और अभी ना 10:30 के आसपास टाइमिंग हो रहा है, कोहरा बहुत ही ज्यादा है भाई, अब लास्ट मोमेंट में तो भाई तो कोहरा रहते ही है। और तो फिलहाल मैं अभी सब्जी छिला रहा था, और सब्जी में बन रहा है मूंगा और आलू का सब्जी, ठीक है। चलिए चलते हैं, कैसा है वहाँ हाथ अभी? ठीक ठाक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मसाला वगैरह पीस लेते हैं। और दुकान नहीं खुलते क्या? नहीं भाई, ये देखो इसमें मैंने क्या क्या फुलाया था, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मूंग का दाल है, हल्का सा मसूर का दाल है, और थोड़ा सा भाई इसमें चना का दाल है, ठीक है। आप लोग चाहे तो चना का दाल डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई इसको पीसते हैं हम लोग। और इसमें मैं बताना भूल गया, मसाला मैं मतलब अलग से पीस के क्या डालूंगा, इसमें देखिए लहसुन डाल दिए हम लोग, और ये मिर्चा डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये मसाला का काम कर जाएगा। और इसमें आप लोग चाहे ना तो हरा धनिया हो गया, ठीक है, और हरा मिर्चा हो गया, और आदि ये सब चीज़ का भी पेस्ट डाल सकते हैं। तो आज फिलहाल मैं है नहीं अभी, तो मैं जाऊँगा अभी नहीं, घर पर जो व्यवस्था उसी से बना रहा हूँ। तो चलिए इसको हम लोग पीसते हैं, और पीसना ऐसा है भाई कि इसमें ना थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, इसको ना अभी ना पानी का पीसना है। तो भाई ये देखिए पिसा चुका है, इसमें क्या है ना, जैसे मूंग दाल हो गया, हल्का चना दाल चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा इसमें चावल भी आप डाल दीजिएगा, कुरकुरा अपन थोड़ा ज़्यादा आएगा, और थोड़ा सा मसूर दाल, ठीक है। तो मतलब एकदम मोटा मोटा सा पिसा है, आप लोग देख सकते हैं ये एकदम मोटा है, हाँ बिना पानी का पिसा हूँ, कुछ कुछ तो गोटे भी हैं इधर, ठीक है। और इसमें भी डलाएगा क्या क्या चीज़, इसमें डलाएगा हल्का सा गोटा धनिया, हल्का सा मंगरेला अजवाइन, हल्का सा मीठा सोडा, और हल्का सा नमक। तो दोस्तों इसमें हरा धनिया भी डालता है, जो कि मेरे पास अभी धनिया है नहीं, तो मैं धनिया नहीं डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल दे रहा हूँ प्याज, ठीक है, ये थोड़े मोटे कटे हुए दिख रहे हैं, पतले पतले हैं लेकिन। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगा गोटा धनिया, गोटा धनिया जब मुँह में पड़ेगा ना भाई तो काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आएगा। गोटा धनिया हम लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, ये हल्का मंगरेला अजवाइन, और ये हल्का सा मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा, ये उठने के लिए। और ये हल्का सा नमक डाल दिया मैंने, चलिए वहाँ फटाक से ना हम लोग इसको मिक्स करते हैं भाई, और उसके बाद ना मूंग दाल का मुंगोड़ी निकालते हैं, खाते हैं, और बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसा बना है। यार नाश्ता में ना, नाश्ता करने के लिए ना भाई बहुत सारे चीज है, ठीक है, बिस्किट भी है, मुर्रा भी है, ठीक है, ये बिस्कुट लेके आया था शाम को, रखा हूँ नाश्ता के लिए, उसके बाद भाई शाम को मुर्रा भी आ गया, मुंगोड़ी बना ही रहा हूँ, प्लस संतरा है जो मैं खा नहीं सकता, और इसमें भूजा जो कि चना और फली जो भूजता है ना, भून जाता है भाई वो। और कल पोहा खाने का मन था, तो पोहा का पाकिट 3-8 आ गया, ये देखिए पड़ा हुआ है पूरे दिन। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा अपना हाथ पैर वगैरह धो लेते हैं, ठीक है, और सामान तो पिसा ही गया भाई, फिर वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, मतलब और भी बाकी लूँगा जहाँ, उसके बाद फिर मुंगोड़ी निकालना चालू करूँगा, और आप लोगों को दिखाऊँगा कि निकलने के बाद टेस्ट कैसा लगता है और क्या क्या चीज़ है, ठीक है। और उसमें आप लोगों को पेस्ट क्या चीज़ का डालना है, उसमें पेस्ट आप लोगों को डालना है हरा मिर्चा का, आदि का, और धनिया का, और लहसुन का। अगर आपके पास ये नहीं है ये सब चीज़, ठीक है, तो आप लोग के घर में अगर हरा मिर्चा है ना भाई, तो हरा मिर्चा और हल्का सा आदि डाल सकते हैं आप लोग, लहसुन डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो लाल मिर्चा ही डाल दीजिए और हल्का सा लहसुन। जैसे मेरे पास अभी कहीं मैं गया नहीं, जो घर पर क्वान्टिटीज था मेरे पास, जो जुगाड़ था, उसी चीज़ को मैं डाल दिया, ठीक है, और हल्का सा फ्लेवर के लिए भाई धनिया वगैरह डाल ही दिया हूँ मैं। तो चलिए भाई अब चलते हैं, मुंगोड़ा निकाल लेते हैं फटाफट से। मुंगा आलू का सब्जी बन रहा है, और ये बचा है भाई चना का साग, और चना का साग रात का है। तो आप लोग कितने लोग भाई जो चना भाजी ना शाम को बनता है और सुबह खाते हैं, और बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगता है। ज्यादातर लोग ना चना भाजी ना सुबह ही खाते हैं भाई, ज्यादा टेस्ट लगता है। मेरे को भाई सुबह ज्यादा टेस्ट लगता है, मतलब दूसरा दिन होने के बाद। तेल डाल दिया है मैंने गरम होने के लिए। चलिए मुंगोड़ा निकालते हैं भाई, अपन खाते हैं आराम से। तो फाइनली तेल गरम हो चुका है, तो चलिए भाई फटाफट से ना
तो चलिए दोस्तों फटाफट से ना हम लोग मुंगोड़ी निकालना चालू करते हैं। और मेरे ख्याल से ना सब लोग आ भी गए हैं, तो इसको पहले अच्छे तरीके से फेंट लेता हूँ मैं। लो भाई मुंगोड़ी निकलना चालू भी हो गया है। वाह भाई आज तो मजा ही आने वाला है। तो ये रहा फाइनली मुंगोड़ी कंप्लीट हो चुका है। लो भाई तो फाइनली ना मुंगोड़ी रेडी हो चुका है और इसमें सबसे बेस्ट लगता है टमाटर की चटनी। ठीक है तो कंप्लीटली पूरा का पूरा ये मुंगोड़ी और टमाटर की चटनी रेडी हो चुका है। पापा चेक करेंगे कि कैसा बना है, चेक करके बताओ कैसा है। हरा मिर्च इतना सारा खाया दे दे, ओके रख दो। ठीक है कुरकुरा है मस्त बैठो। और ये लास्ट मुंगोड़ी निकल ही रहा है अभी, ये मस्त कुरकुरा है भाई, देखिएगा ना आप लोग। और ये टमाटर का चटनी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा मुंगोड़ी बना भाई, मजा आ गया, एक नंबर लग रहा है। अब बचा है भाई हमारे और माताजी दोनों से मैं पूछता हूँ कि कैसा बना है। ठीक है फिलहाल मैं लास्ट मुंगोड़ी बचा है ये भी निकाल लेता हूँ सबसे पहले। और फिलहाल में मम्मी भी आ गई है, तो मम्मी ये मुंगोड़ी लेके जा रही है और माँ थोड़ा सा चटनी। अच्छा बढ़िया ना, भूख लगा था तो खा लेना भाई, मुंगोड़ी खा ले, बिस्किट खा ले। और इसके बाद ना भाई अभी सब्जी धोना है और छौका मेरे ही को मारना है क्योंकि माँ के हाथ में थोड़ा सा चोट लगा है भाई। तो चलिए पहले सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी छौक देंगे। चना का साग ना भाई ये शाम को उबाल के रखा हुआ था, ये मैं सारा इसका पानी वगैरह निकाले हैं और ये लहसुन वगैरह मिर्चा वगैरह छिला रहा है। और मेरा भाई यहाँ नाश्ता रखा हुआ है, देखिए आज का मेरा नाश्ता। और नाश्ते में क्या क्या है पता है, ये देखिए कुछ बिस्किट है इसमें नाश्ते में, और ये जो गर्मा गर्म मुंगोड़ी बनाए हुए कुछ मुंगोड़ी है और भाई भुजा भी है, ये भुजा। तो चलिए अब खाते हैं हम लोग फटाफट। और पापा इधर खाना खा लिए, माता जी भी खाना खा रही हैं। और खाने में क्या क्या बनाया है, चना भाजी है, मुनगा है, दाल है और चावल है। और मैं नारियल तेल लेने गया था और कपूर इसमें भी डाला हूँ जस्ट। क्या है ना जो हल्का फुल्का जैसे चोट वगैरह लगे है ना भाई, ये दाग वगैरह है इसमें लगाऊंगा ना तो बहुत जल्दी से ठीक होगा। डेढ़ के आसपास हो गए हैं, चलिए सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा लगा लेता हूँ मैं नारियल तेल को, पूरा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। और भाई वीडियो एडिट नहीं हुआ, थोड़ा आज का वीडियो वगैरह एडिट कर लेता हूँ, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है यार।